जे अपने बच्चों की जान प्यारी है ता आ काम करन ते लगाओ रोक, गर्मी दे नाल नाल नहीं ता दुनिया तो मिल जाएगा छुटकारा। नहरां च नहाउण आउंदे ने ए नौजवान, स्कूलां तो बंक मार नहरां ते आउंदे ने स्कूली जवाक। इन्हां गोतां खोरां ने उन्हां बच्चियां दे मापियां नूं कीती खास अपील। तां तस्वीरां दिखा रही हां तुहानूं राजपुरा दे पिंड खेड़ी गंडियां नेड़े नरवाणा ब्रांच नहर दियां, जिथे दर्जना ही बच्चे या तो स्कूल की छुट्टी तो बाद या स्कूल तो बंक मार के इस नहर ते नहाने लई आउंदे ने। तुहानू दस दईए कि 100 फुट चौड़ी नहर है अते इस दी डूंघाई 30 फुट है, तो इस दे अंदर जिहड़ा पानी दा वहा है वह भी कई किलोमीटर की रफ्तार दे नाल चलदा है, पर फिर भी कई स्कूली जवाक अते नौजवान इस नहर दे विच नहाउण आउंदे ने। पहलां भी इस नहर दे विच कई हादसे हो चुके ने, कई बच्चियां नूं तां गोताखोरां ने बचा लिया पर कईयां नूं गोताखोर भी नहीं बचा सके, जिस तो बाद मापियां दे कोल पछताउण तो अलावा कुछ नहीं बचिया। तो हुण मापियां नूं इह गोताखोर अपील कर रहे हैं कि अपने बच्चियां नूं इन्हां नहरां ते नहाउण लई साफ मना कर दो। जेकर नहाउणा है तां पूल वगैरह ते जा सकदे आ बच्चे, पर इन्हां नहरां ते उन्हां दी जान नूं खतरा है, क्योंकि पता नहीं हुंदा कि पिछों किस वेले किड्डा पानी छड्डिया गया है। एक वीडियो भी वायरल हुई है, वह भी तुहानूं विच दिखा रही हां। अते गोताखोर की कह रहे हैं, बच्चों नूं की अपील कर रहे हैं, बच्चों के मापियां नूं की अपील कर रहा है, आओ सुन दे। कलरों काम करता हूँ, ये राजपुरा गंडागिरी पुल के पास। सर जी, ये जो बच्चे नहाते हैं आपने उनको हटाया, कई बार क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर देखो, ये गंडागिरी पुल के पास, खासकर ये गंडागिरी पुल के पास जो रोज है तकरीबन कोई टेम्पो भर के पिंड से जो लड़के आते हैं, शहर से लड़के आते हैं, गैंग बना के आते हैं, कोई 10 मोटरसाइकिल लेके आया, कोई 6, कोई 5, कोई 4, एक बाइक पे दो तीन बंदा होते हैं, दो तीन लड़के होते हैं, वो इसमें नहाने के लिए आते हैं। कई बार ऐसे होते हैं अब 4-5 लड़के होते हैं या 10 लड़के होते हैं, इकट्ठा ही नहर में कूद गए, उनमें किसी को तैरने होते हैं, किसी को तैरने नहीं होते हैं। तो इसके वजह से कई ऐसे हमारे पास केस आ चुके हैं जो नहर में डूब चुके हैं, कई बार 2 बंदा इकट्ठा ही डूब गया, कई बार 3 इकट्ठा ही डूब गए, वो केस हमारे पास आते रहते हैं। इसीलिए हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारे पब्लिक को बताने जाते हैं, अपने अपने बच्चे को ख्याल रखें, कहाँ जा रहे हैं। कई बार क्या होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल की जगह यहाँ आ जाते छुट्टी करके, जब छुट्टी का टाइम होता है ना वापस यहाँ से नहा के फिर घर चले जाते हैं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी फैमिली वाले या किसी के बच्चे हैं, अपने अपने बच्चे का ख्याल जरूर रखें, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह घूमने जा रहे हैं। और बच्चे गलतियाँ ये भी करते हैं, कई बार आप नहाने आए, 10 लड़का इकट्ठा होकर नहाने आए, 15 लड़का इकट्ठा होकर नहाने आए, उनमें अगर एक बंदा डूब जाते हैं, एक लड़का जब डूब जाते हैं तो घर बताते नहीं हैं। सबसे गलती ये है, घर नहीं बताते, और इसीलिए हर वीडियो में बोलते हैं पब्लिक को, हम तो रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बच्चे मानते नहीं हैं, नहाते हैं, जब रोको तो कहते तुम कौन रोकने वाले, हम नहाएंगे, ऐसे बोलते हैं।